मुरादाबाद पहुंचे भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद जफर इस्लाम ने महाराष्ट्र में फूट लेटर बम्पर बोलते हुए कहा कि इन हालातों में उद्धव सरकार को रहने का कोई अधिकार नहीं है। पुलिस कमिश्नर द्वारा राज्य गृह मंत्री अनिल देशमुख द्वारा की जा रही बड़े स्तर की उगाही ने कलई खोलकर रख दी है। भाजपा प्रवक्ता होने के नाते वो इस पूरे प्रकरण की जांच महाराष्ट्र से बाहर कराने की मांग करते हैं और जिस तरह से एक आम क्रिमिनल की जगह जेल में होती है उसी तरह अनिल देशमुख के साथ भी व्यवहार होना चाहिए। देखिए जब वहाँ के जो फॉर्मर कमिश्नर ऑफ पुलिस परमवीर सिंह जी के जो लेटर लिखा है मुख्यमंत्री को, उसके बाद मुझे लगता है मुख्यमंत्री को उस सरकार में रहने का कोई अधिकार नहीं है। उन्हें बिल्कुल इस सरकार को गिरा देना चाहिए, ख़त्म कर देना चाहिए। और जिस तरह के एनसीपी ने इतना बड़ा गबन किया है और जिस तरह से एक्सटॉर्शन का रैकेट चला के रखा था, मुझे लगता है इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन जो प्रदेश के बाहर होनी चाहिए, और उससे समझ में आएगा कि वहाँ पर किस तरह का जो है एक्सटॉर्शन रैकेट चल रहा था और वहाँ की सरकार ने मिलकर वहाँ के प्रदेश को लूटने का किस तरह से जो है प्लान बनाया था। ख़ासकर मैं जो वहाँ के जो पुलिस कमिश्नर फॉर्मर पुलिस कमिश्नर ने लिखा है अपने लेटर में, उसमें साफ लफ्ज़ों में लिखा है कि 100 करोड़ जो है वाजे के बारे में बताया है कि उसने एनसीपी के जो वहाँ पर जो होम मिनिस्टर है उनके द्वारा जो है बार बार डिमांड किया जाता था। तो ऐसे में क्या प्रदेश की जनता और देश की जनता के सामने उनको कुछ कहने का अधिकार है, और क्या एक मिनट भी उनको सरकार में रहने का कोई अधिकार है? मुझे लगता है कि अब उन्हें सरकार से कहीं ना कहीं रिज़ाइन देना चाहिए और एमवीए जो वहाँ पर सरकार है उसको ख़त्म होना चाहिए। देखिए इतना बड़ा जो एक्सटॉर्शन का रैकेट पता चला है, इसके बाद मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री जी को फैसला लेना चाहिए कि क्या इस सरकार में उनको सरकार में को चलाने का कोई अधिकार है, और इंडिपेंडेंट इंक्वायरी जैसे एजेंसी जो सेंट्रल में एजेंसीज होती है उसको बिल्कुल करना चाहिए इन्वेस्टिगेशन, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। सर इसके अलावा मुंबई में जो है बीजेपी पूरी तरह से अनिल देशमुख के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है, उनकी मांग है कि जल्दी गिरफ्तारी होनी चाहिए और अलग तरीके से जांच करानी। देखिए इस पूरे घोटाले के बाद, इस पूरे एक्सटॉर्शन रैकेट को जो अब जो है पूरे तरह से एक्सपोज होने के बाद, मुझे लगता है कि जाहिर है उनको इस तरह की सरकार में रहने का अधिकार नहीं, उनको रिज़ाइन करना चाहिए, उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। एक आम नागरिक अगर ये गलती करता तो उसके लिए हवालात ही होती है जगह, अगर वो जो उसका रखवाले का काम करता है अगर वो खुद ऐसे काम करे तो जाहिर है उसके लिए जगह उसको अरेस्ट होना चाहिए, और हम इसकी डिमांड कर रहे हैं और बिल्कुल अरेस्ट होना चाहिए।